About my staffs,
Then I will continue with the lab lighting functions. Then further will be proceed with the functions. Okay, so I am really feeling very energetic while seeing you all gathered here on the ground of Holy Angels English School. We have all gathered here for what you called a very funny filled evening. This evening belongs to you and your children, the children who have their heart and soul for last 4 weeks and have made this look possible. I, Atul Mishra, on the behalf of the Holy Angel English School, welcome you all to this special evening of splendor. We are glad to have her with us on a very special day. Today, Holy Angel School is celebrating its 3rd annual function. You all heard to see the top performance of our very talented students. This superiority is due to our team, which are always ready to do something different, something very precious, for not for our own self, but our for the student, for our students' bright futures. So I would like to call first of all my team on this stage, the teachers of Holy Angel English School, to represent the national anthem. Please, to represent the national anthem, I would request all the parents to stand on their places, and I would request to all the chief guests to stand on their places to devote the national anthem. So please, I would like to request, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि आप पहले अपने स्थान पे खड़े हो जाएं क्योंकि राष्ट्रगान शुरू होने वाला है. I would like to call my teachers on this stage. Please welcome them. Yes, सब लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं. Start. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम थैंक यू सो मच यू ऑल प्लीज टेक योर सीट. वार्षिक उत्सव जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चों में कितना सुधार आया है और किन किन स्थानों पर कार्य करने की जरूरत है. बच्चों को इस बुलंद हौसले की जरूरत होती है. इन कार्यक्रमों द्वारा हम उन्हें बुलंद हौसले प्रदान करवाते हैं. आने वाले भविष्य में किसी भी तरह उन समस्याओं का जो भी उन्हें सामना करना पड़ेगा सरलता से वो कर लेंगे. मैं होली एंजल स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर का आभार करते हुए उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बड़े मंच के माध्यम से आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं बच्चों के लिए सच में वो आप में एक बहुत बड़ा कार्य है. शिक्षा के अलावा बच्चों को जो भारत का जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा उसके लिए ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि होली एंजल बच्चों के विकास के साथ साथ अपने देश का भी विकास चाह रहा है. सो आई वुड लाइक टू फर्स्ट यू ऑल प्लीज गिव अ बिग हैंड टू द होली एंजल स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर्स. होली एंजल स्कूल के टीचर्स एवं मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ 2 लाइन कहना चाहता हूँ. ना गिनकर सिखाते हैं ना तोलकर सिखाते हैं. होली एंजल के गुरु जब भी सिखाते हैं दिल खोल के सिखाते हैं. सो प्लीज होली एंजल स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर के लिए जोरदार ताली एक बार और हो जाए. प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जोरदार ताली बजाएं. लैम्प लाइटिंग का सर्मनी हो रहा है. माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में वो जो अंधकार रूपी अज्ञानता है उसे दूर करें और
सदैव हमारे जीवन में ज्ञानता का प्रकाश भरे। आई वुड लाइक टू से द स्टैच्यू ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यू आर एन इंस्पिरेशनल टू ऑल ऑफ अस। माननीय श्री विश्वजीत सोनी सर के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर प्लीज आप अपने जगह पे खड़े होकर एक बार प्लीज ऑडियंस को हाथ दिखा दीजिए। सर विश्वजीत सोनी सर विच इज वेरी पॉपुलर विद द टाइटल ऑफ जूनियर प्रेम चोपड़ा, दे हैव डन मेनी ऑफ सीरियल्स। यस प्लीज गिव अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर विश्वजीत सोनी सर। करता हूँ काम लेता हूँ रोकड़ा, करता हूँ काम लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा। शायद आप लोग ने आज खाना नहीं खाया है, आवाज आपकी एकदम बंद है, फिर से बोलिए। भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग दो दारी तलवार है। असगर नाम है मेरा, मैं डस्टा नहीं हूँ, सीधा निकल जाता हूँ और बाद में पिघल भी जाता हूँ। तो ये जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनकी टीचर्स हैं, सबको और भी जो आए हुए हैं यहाँ जो रहते हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। काफी स्टूडेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ अभी इन पे ध्यान गया है कि ये लोग प्यारा प्यारा परफॉर्म आपके सामने पेश करेंगे, तो इनके लिए भी इतनी तालियां बजाना। आप जो भी कलाकार आए सबके लिए क्या है, जब तालियां बजती है तो कलाकार के अंदर जोश आता है ना। कलाकार मरता नहीं है, जिंदा दफनाया जाता है। जब भी कब्र खोद के देखो तालियों के इंतजार में पाया जाता है, लेकिन इसका उल्टा भी है, कलाकार मरता नहीं है जिंदा दफनाया जाता है, जब भी कब्र खोद के देखो पैसों के इंतजार में पाया जाता है। तो आज इतने अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं, क्यूट क्यूट बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे घूम रहे हैं, कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हैं, कुछ बच्चे अकेले आए हैं, कुछ बच्चे तो पड़ोसी वालों के साथ आए हैं, है ना। कुछ पति पत्नी साथ में आए, कुछ पति अकेले आए हैं, कुछ पति किसी और की पत्नी के साथ आए हैं, है ना। तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं माइक टेस्ट कर रहा था तो बात बताता हूँ बच्चों की। आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं, इतने होशियार हैं, क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल है। जब हम छोटे थे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम क्या था, कुछ नहीं, हमारे पास एक पहिया था, वो पहिया घुमाते थे एक हाथ में चड्डी पकड़ के, घर में आते थे पहिया फेंकते थे, माँ को बोलते थे भूख लगी है खाना दे, जैसे बहुत बड़ा काम कर गया है, और खाना नहीं देगी ना टाइम पे तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, कैसे जाएगा इसी पहिए से। और आजकल क्या मैदान नहीं है खेलने के लिए, ग्राउंड नहीं है, सब मोबाइल में खेलते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक जो चाहिए सब है इसमें। मेरे मोहल्ले से मैंने एक बच्चे को पूछा जहां मैं रहता हूँ, ऐसा एक बच्चा था शरारती था, बोला इधर आओ, क्या है बुलाया क्या है, बोला टीवी देखते हो, मैंने सोचा ये बोलेगा हाँ अंकल मैंने आपको टीवी में देखा है, भाभी जी घर पर है मैं देखा है, मैं रिस्पॉन्स देख रहा था अपना, ना बेटा टीवी देखते हो, रोज देखते है, मैं बोला कौन सा सीरियल देखते हो, रामायण महाभारत, बोला वाह ये अच्छा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है जो रामायण और महाभारत देखता है, बाकी तो हमारे कॉलोनी के सारे बच्चे स्टार टीवी देख देख के अपने माँ बाप का स्टार खराब कर रहे हैं। अच्छा तो रामायण देखा, पूरा देखा, ना रामायण का एक सवाल पूछू ठीक से जवाब देगा, पूछो ना अंकल पकाओ मत ना, जो पूछना है जल्दी पूछो ना। अच्छा बोला ये बताओ रामायण में अरुण गोविल जी राम बने थे, आगे पूछो ना। अच्छा मैं बोला ये बताओ राम ने महल क्यों छोड़ा, राम जी ने महल क्यों छोड़ा, भाड़ा नहीं दिया होएगा। मैं समझ गया बड़ा होके दिलीप तिवारी बनेगा, सारे रूम्स बनाएगा, पैसे वसूल करेगा। ना दूसरा सवाल पूछूं ठीक से जवाब देगा ना, आप पूछो ना। ये बताओ
भरत जी गद्दी पे क्यों नहीं बैठे, भरत जी गद्दी पे क्यों नहीं बैठे अंकल, गद्दी में ज्यादा खटमल होएंगे। एक बच्चे को पूछा मैंने, बेटा बताओ रिक्शा में और परीक्षा में कितना फर्क है, रिक्शा में और परीक्षा में? बोला अंकल रिक्शा में 3 लोग एक साथ बैठते हैं और परीक्षा में अलग अलग बैठते हैं, बस इतना ही फर्क है। अच्छा बोला ये बताओ इंग्लिश में ऑटोमेटिकली किसको कहते हैं, ऑटोमेटिकली? बोला ऑटो में कोई गंजी औरत जाती है ना तो कहते हैं ऑटोमेटिकली। बोला ये बच्चे लोग सुधरेंगे नहीं, मेरा दिमाग खराब कर देंगे। फिर एक स्कूल में आते हैं ना इंस्पेक्टर, आते हैं पूछते हैं पढ़ाई कैसे चलती है क्या। तो एक बच्चे को पूछा तो वहां क्या था, वो स्कूल के सामने हरा घास था और उधर एक भैंस थी, भैंस थी जो रोज आके चलती थी। तो उसकी टीचर ने यही सिखाया था कि देखो ये जो भैंस है इसको बाहर निकालो, हर बच्चे को भेजती थी। अब हुआ क्या, वो आया परीक्षा लेने, बाहर का मास्टर इंस्पेक्टर बोला पहले बताओ, एक बच्चे को पूछा बताओ हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोला नरेंद्र मोदी जी। बोला वेरी गुड बैठ जाओ। सेकंड को बोला तुम बताओ ताजमहल कहाँ है? बोला आगरा में। बोला वेरी गुड। अच्छा तुम बताओ भैंस के कितने पांव होते हैं? बोला मैं बताऊं, भैंस के 4 पांव होते हैं, 2 आंखें होती है, 1 पूंछ होता है और बाहर एक गार्डन होता है और हमारी टीचर बोलती है कि इसको जाके बाहर निकालो। किसको? भैंस को। वो समझा नहीं कुछ, अभी तक आप भी नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा। दूसरे बच्चे को बोला तुम बताओ, वो भी उसमें आया, बोला एक भैंस है जिसके 4 पांव है, 2 आंखें हैं और 1 पूंछ है और वो सफेद दूध देती है और हमारे गेट के बाहर चरती है और हमारी टीचर बोलती है बाहर निकालो। ना बैठो यार। तीसरे को पूछा बोला तुम बताओ, उसने भी यही बोला एक भैंस है जिसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, 1 पूंछ होती है और वो सफेद दूध देती है। उसको इतना गुस्सा आया बोला मुझे यहां पढ़ाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। वो अपनी बाइक गुस्से में लेके निकला और अपनी बाइक ठोक दी, बाइक उसने ठोक दी और हॉस्पिटल में उसकी वाइफ गई मिलने। बोले क्या हुआ? तो हॉस्पिटल में एक भैंस है जिसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, 1 पूंछ होता है, बाहर एक गेट होता है। इतना उसको डिप्रेशन में डाल दिया बच्चों ने। ये बच्चे इतने होशियार है आजकल के। अब बच्चों से थोड़ा मैं बड़ों में भी आता हूं। अमिताभ बच्चन जी को तो हर कोई जानता है और हमारे दिलीप जी ने काफी फिल्मों की शूटिंग ने देखी है। नीरज वोरा साहब के पास थे ये, और नीरज वोरा जी तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जरा जोरदार उनके लिए इसलिए तालियां बजाएं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, जरा नीरज वोरा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो एक बार ये हमारे दिलीप तिवारी जी अमिताभ बच्चन के घर चले गए अमित जी के बर्थडे में नीरज वोरा जी के साथ। तो इन्होंने अमिताभ बच्चन को पूछ लिया, बोला अमित जी आप स्टारों के स्टार है, सुपरस्टार है, मिलेनियम स्टार है, आप चाहे तो रेखा राखी जीना तमान हेमा मालिनी के साथ भी शादी कर सकते थे, आपने इतनी गुड्डी छोटी नाटी औरत से क्यों शादी किया, इतनी छोटी औरत से? अमित जी मूड में थे, उन्होंने कहा बात ऐसी है दिलीप जी, हमारे बाबूजी कहा करते थे जिंदगी में मुसीबत जितनी छोटी होती है उतनी अच्छी होती है। जो लोग तालियां नहीं बजा रहे मैं समझ रहा हूं उनके घर में मुसीबत कितनी लंबी है। मैं आप लोग देखते हो भाभी जी घर पर है? अच्छा वही देखते हो। मैंने एक बच्चे को पूछा कहाँ जा रहा है? बोला भाभी जी घर पर है देखने को जा रहा हूं। बोला दोपहर को? दोपहर को भी भाभी जी घर पर है देखूंगा।
मैं बोला फिर शाम को भी भाभी जी घर पर है, देखूंगा। बोला रात को खाना खा के सो जाऊंगा, दिन भर थोड़ी ना तेरा ही भाभी जी घर पर है देखूंगा, ऐसे जवाब दिया। तो मैं भाभी जी घर पर है मैं काम करता हूँ, इसके पहले मैंने तारक मेहता में किया, ऐसे छोटी छोटी सीरियलें करता हूँ, वो अपने आप बड़ी हो जाती है। तो मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, मेरे ऊपर एक दिन भड़क गई, बोले क्या बात है, 20 साल हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, तुम अभी तक टीवी सीरियल में ही काम करता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, वो सलमान खान का साथ काम किया, बोला उसका नसीब है, उसने आमिर खान का साथ भी काम किया, मैं बोला उसका नसीब है, उसने शाहरुख खान का साथ भी काम किया, मैं बोला उसका नसीब है, उसने मॉम में हमारा साउथ इंडियन हीरोइन श्रीदेवी का साथ भी काम किया, मैंने कहा उसका नसीब है, कैसा पति मिला है, रोज पत्नी का डांट सुनता है, मैंने कहा ये मेरा नसीब है। एक बच्चा आया, उसके बाप ने पूछा, बोला परीक्षा में पास हुआ, रिजल्ट कैसा आया? वो क्या है ना, अपना नगर सेवक है ना, उसका लड़का फेल हो गया। अबे बोला तेरा रिजल्ट कैसा आया? वो नगर सेवक को छोड़, डॉक्टर का लड़का भी फेल हो गया। अरे बोला डॉक्टर का लड़का गया वहां में फेल हो गया, तेरा रिजल्ट कैसा आया? अपना एमएलए है ना, एमएलए इधर का खासदार, उसका भी लड़का फेल हो गया। बोला अबे मैं तेरे को पूछ रहा हूँ तेरा रिजल्ट कैसे आया, कभी एमएलए का लड़का फेल हो गया, डॉक्टर का लड़का फेल हो गया, तेरा रिजल्ट कैसे आ गया? आप कौन से प्रधानमंत्री हो, आपका भी लड़का फेल हो गया, ऐसे जवाब दे देते हैं बच्चे लोग, है ना, सही बोल रहा हूँ? हाँ बोल। अच्छा कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें पेश कर रहा हूँ आपके सामने, फिल्म स्टारों की आवाजें। आप लोग ने फिल्म देवदास देखी? देवदास देखी? चलिए देवदास को छोड़िए। आजकल मैंने देखा ड्रंक एंड ड्राइव, जो भी आदमी शराब पी के गाड़ी चलाता है उसको पुलिस पकड़ती है ना, पुलिस पकड़ती है, लेकिन हमारे जो फिल्म स्टार है ये कई पार्टियों में जाते हैं, आज में सन एंड सन में, तो उनके ड्राइवर बोलते हैं हम लोग रात को नहीं आएंगे। अब ये फिल्म स्टार है बेचारे ट्रेनों में बसों में टैक्सी में तो जा नहीं सकते, ओला और उबर करके तो जा नहीं सकते, फिल्म स्टार है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, तो ये जैसे ही पार्टी से निकले पुलिस वालों ने कहा आज का है ना अपना धंधा बहुत अच्छा होएगा। बोला कैसा? बोला सारे फिल्म स्टार आएंगे, दारू पी के आएंगे, हम लोग अल्कोहल मीटर डालेंगे और एक एक से पैसा वसूल करेंगे, प्रमोशन हो जाएगा जीजा वहां। बोला हाँ फिल्म स्टार है, होशियार है। तो ये लोग जैसे डायलॉग मारते हैं वैसे फूंक मारते हैं। तो बोला पहला कौन सी गाड़ी है रे? बोला शक्ति कपूर का गाड़ी है। बोला शक्ति कपूर जी नाम तो आपका हमको पता है, शक्ति कपूर है, बहुत फेमस आदमी है, पार्टी से आ रहा है, गाड़ी में बैठा है, फूक मारो। अब शक्ति कपूर जैसे डायलॉग मारता है वैसे फूक मार डाला, आप हो। बोला डायलॉग मत मारो, फूक मारो, आप हुआ। 1 मिनट, अरे वाह तुम सुधर गया, अल्कोहल नहीं बता रहा है मशीन में, ऐसा सुधर के रहने का, देखो तुम सुधर गया ना, हमारा कानून ने तुमको सुधार दिया, सुधर नहीं गया हो बिगड़ गया हो। वो कैसे? पहले मैं 4 पैक पी के जाता था, अभी 4 बोतल चोरी करके जाता हूँ और घर पे जाके पीता हूँ। बोला नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट परेश रावल का गाड़ी है। बोला परेश रावल जी फूंक मारो। अब वो भी जैसे डायलॉग मारते वैसे फूंक मार रहे, अरे फूंक मारो, अरे डायलॉग मत मारो, फूंक मारो। ये पीछे सोया हो कौन है पिछले सीट पे? तुम्हारा भाई है क्या? मेरा भाई नहीं है। तो कौन है? तुम्हारा दोस्त है? दोस्त भी नहीं है। तो कोई फिल्म स्टार है क्या? फिल्म स्टार भी नहीं है। तो कौन है? मेरा ड्राइवर है। क्या बीमार है? ये बीमार नहीं है, जब से ये कानून निकला है साला ड्राइवर पी के टाइट हो जाता है, मेरे को जाके घर में छोड़ना पड़ता है।
फिर तालियां कम हो गई, यहां तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। गाड़ी लोगे समझ जाओगे, पहले एडवांस में समझा रहा हूं। अब ये लोग किसी को नहीं छोड़ रहे थे, पीछे गाड़ी थी धर्मेंद्र की। बोला धर्म पाजी, अरे बोला हेलो छोड़ छोड़ छोड़, ओ धर्म जी आप जाओ, आप जाओ। ये लोग वही करते, बोला अभी बोला कानून सबके लिए एक है, धर्मेंद्र को छोड़ते हो, हीमेन को छोड़ते हो और हमको पकड़ते हो, उससे क्यों नहीं फूक मरवाया? बोला आई शपथ परसों इसको पकड़ा था, ये टांकी पे चढ़ जाता है, बोलता क्यों जाऊंगा मर जाऊंगा, अभी पब्लिक देखने का कि इसको देखने का, लेकिन मैं भी कसम खाया है एक दिन इसको जरूर पकड़ेगा, जिधर मेरा ड्यूटी होगा उधर पानी का टंकी नहीं होएगा। हमारे दोस्त है बाबा जी, एक बार मैं गया, बोला जल्दी चलिए शो में जाना, आया जी टायर यार शो में जाना है टायर, चलो नीचे उतरे, वो तीसरे माले पे रहते थे, नीचे उतरे ये टायर यार जाओ, मैं घड़ी और माल भूल गया, दोनों लेके लेके आओ क्या, यहाँ से आवाज है और सुना बोले घड़ी और माल पैक जल्दी, बोले ठीक है, उसने बोली ये लो घड़ी बराबर पकड़ना और पैक है, सिद्धू से अच्छा कैच मैं कर सकता हूँ पैक, उसने घड़ी फेंकी चकना चूर हो गई टूट गई, घड़ी तोड़नी इतनी में, अब रुमाल बराबर पकड़ना और ये टायर जा, रुमाल लेने में खुद ही तीसरे माले आया है, उसने सोचा घड़ी का ये हाल हुआ तो रुमाल का क्या हाल होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
You all want once more? Say yes or no? Once more, once more, once more. So please. Yes, ladies and gentlemen, please give a big hand for them. तालियों की आवाज नहीं आ रही है. Yeah.
डांस वॉज लाइक अ ब्यूटीफुल पीकॉक. चांद जो उगता है आसमान में, चुपके से उसे हॉली एंजल में ला दो. सो आज लग रहा है हॉली एंजल से ग्राउंड पे सच में चांद ही उतर आए हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबके बीच जो स्पेशल पर्सनालिटी आए हैं, आई एम अनाउंसिंग द नेम ऑफ दैट स्पेशल पर्सनालिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल अवर कॉर्पोरेटर्स, फेमस कॉर्पोरेटर्स, मिस्टर सीताराम गुप्ता सर ऑन द स्टेज. Our Valaipada corporators, Mr. Sachin Desai sir on the stage. Please sir, come on the stage. Please ladies and gentlemen, give a big hand of applause for them. Taliya aur zor se honi chahiye. Miss Sony Miss with a special flower of bouquets on the stage. Please miss, welcome them all. I would like to call Mr. Gupnath Tiwari sir on the stage. Please welcome them all by providing his special bookies. Please sir, come on the stage. Please ladies and gentlemen, बहुत जोर से तालियों की आवाज आनी चाहिए. Trustee sir, please announce a bookie. First of all, they have the request of all the sirs to provide a first bookie, Mr. Gupnath Tiwari sir. So please give a big hand for them. Mr. Gupnath Tiwari sir will be welcomed by his own son by having a bookie. बहुत ही खुशनसीब की बात है जब कोई पिता अपने बेटे के हाथ से सम्मानित होता है. So please जोरदार ताली दीजिए इनके लिए. Second personality is corporator sir Sitaram Gupta sir. Our honorable trustee sir will be welcome him by providing a bookies. So ladies and gentlemen, give a big hand of applause for that. Now the next personality is, they know need any identification, you all know them, Mr. Sachin Desai sir. So please sir, welcome Mr. Sachin Desai sir while providing a flower of bouquets. Please sir. Yes, there are many more personality I would like to sir. संतोष पांडे सर, ही इज अ फेमस डेवलपर ऑफ वलीपाड़ा. हमारे स्कूल के योगदान में उनका बहुत बड़ा हाथ है. तो प्लीज मैं चाहूंगा आप अपनी जोरदार तालियों की भी जिनका स्वागत कीजिए. Personality is also a builder, Raju Madan Singh sir. So I would like to our trustee sir to honorable them by providing a bookies. So please give a big hand to them. Now the next personality is Mr. Nandlal Tiwari. No need of identification, you all peoples are aware of them. So I would like to request trustee sir to welcome them. Please ladies and gentlemen, give a big hand of them. Now there are many more personalities, I would like to trustee sir welcome them. Selin Gupta sir of New Generation High School. So please trustee sir welcome them by providing a bouquet of flower. Yes.
बुलाए इधर. Now the next personality is Chandrasekhar Maurya sir. I would request trustee sir to honor them by providing a flower of bouquets. Please ladies and gentlemen give a big hand of applause of them. Now there will be one photo session from all these personalities. I would request trustee sir to stand in with me. Now the next personality is Mr. Chandraprakash Maurya sir from the New Generation High School. Trustee sir will be honored by providing him bouquets. There is one photo session with all personalities for the memories of our schools. Thank you so much. Holy Angel School के इस annual function में आए हुए हमारे मंच पे सभी खड़े हमारे सभी मान्यवर एक एक जन का नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा. इसके लिए कई बच्चे लोग परेशान होंगे प्रोग्राम के लिए तो सभी मान्यवर आप सभी बैठे भाइयों बहनों और बच्चों. स्कूल इन्होंने खोला है मनोज तिवारी जी ने खोला है. मुझे बहुत अच्छा लगा. शिक्षा जगत आजकल के लिए बहुत महत्व का चीज है. बिना पढ़े लिखे कोई भी होना नहीं चाहिए. और पढ़े लिखे की बात क्या पता है. हम लोग मोबाइल में देखते हैं तो कुछ हमको आता नहीं लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका नया जनरेशन वो पढ़ने की वजह से इस तरीके से वो जान पाते हैं. और बाकी हम लोगों ने थोड़ा सा डांस देखा तो इतना अच्छा लगा. स्कूल के अध्यापक शिक्षक और शिक्षिका दोनों बेचारे इतने मेहनत करते हैं. आपके बच्चों को पढ़ाते भी हैं कला भी सिखाते हैं. आगे जाकर के हीरो हीरोइन कुछ बनना है तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑडिशन में सबसे पहले फर्स्ट में आ जाएंगे. इतना शिक्षा तो यही मिल जाता है. तो सबसे बड़ा कैसा है हम बच्चे तो हमारे होते हैं. गरीब बस्ती है झोपड़पट्टी इसको गरीब बस्ती बोल सकते हैं. लेकिन हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारा बच्चा हम भले अनपढ़ है नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश लेकिन हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं. और अच्छा से अच्छा शिक्षा सिर्फ हम इंग्लिश को ही समझते हैं. हिंदी मराठी गुजराती इनको नहीं समझते. और इंग्लिश का ऐसा महत्व है कि कहीं भी आप जाएंगे तो अगर हिंदी बोलेंगे तो कहीं मद्रास में जाएंगे तो हिंदी समझते ही नहीं है. अंगुली से इशारा करना पड़ता है. सब जगह हिंदी में नहीं बोल पाएंगे सब जगह मराठी में नहीं बोल पाएंगे. दूसरे राज्य में हम जाते हैं तो वहाँ हिंदी का प्रयोग करते हैं. मराठी का प्रयोग दूसरे राज्य में जाके करेंगे तो लोग नहीं समझ पाते हैं. लेकिन इंग्लिश ऐसा भाषा है कि कहीं भी जाएंगे दुनिया के कोने में जाएंगे तो इंग्लिश भाषा से सभी को संबोधित कर सकते हैं. सब हमारी बात समझ सकते हैं हम सबको समझा सकते हैं. तो इसके लिए इंग्लिश पढ़ना सबसे ज़्यादा महत्व का चीज़ है. और वो इन्होंने जो खोला है स्कूल इसके लिए मैं बार बार मेरी पूरे ऊपर के टीम की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ. मनोज जी को कि इन्होंने स्कूल खोला है और अच्छा काम किया है बहुत अच्छा काम किया है. इससे और तो बहुत बातें हैं बात करेंगे तो कई बहुत टाइम लग जाएगा. इतना बात करेंगे नहीं. अभी सब लोग जितने बच्चे बैठे हैं उनके पेरेंट्स बैठे हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ. और कार्यक्रम ये लोग चालू करें सभी लोग उसका मौज मजा लें. इसके लिए हम अपने सबको विराम देते हैं. थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र. थैंक यू सो मच सर. सो प्लीज सर के भाषण के बाद मैं चाहता हूँ कि माननीय श्री सचिन देसाई जी हमारा मार्गदर्शन करें. सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन गिव अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर सचिन देसाई सर. इंग्लिश स्कूल एनुअल फंक्शन सर जी बोले भाषण मत दो. भाषण तो दो मैं नहीं क्योंकि हमें अरे भाषण देखने आप यहाँ आए नहीं. आपका
एनुअल फंक्शन है, लेकिन दो बात जरूर बोलूंगा कि सर जी जैसे बोले कि देखो आज बेटा पिताजी का सम्मान कर रहा है, तो आज पिताजी ने संस्कार दिए, आज उस संस्कार पकड़ के आज उनके तीनों सुपुत्र अच्छे काम कर रहे हैं। आप भी बच्चों लोग को यही कहना है कि पहले अपने घर में माता पिता, उसके बाद गुरु का स्थान रहता है। लेकिन यहाँ की जो एरिया है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो पब्लिक सब एरिया में मुड़ते हैं। तो बच्चे लोग को यही विनती रहेगी कि जब घर में चार रोटी रहती है, आदमी छह जन है, तो दो भाई खाते हैं तो माता पिता ने क्या खाए ये बच्चे के दिमाग में रहता है। चार दिन के बाद बच्चा पूछता है कि माँ उसमें चार रोटी थी और हम लोग छह जन है तो आप कैसे पेट भर ले, तो माँ झूठा बोलते थे, पिताजी झूठा बोलते कि हम लोग ने बाहर से खाना खा लिया। तो बड़े होने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, हमें पढ़ाने के लिए हमारे माता पिताजी की कुछ कम करने के लिए हम लोग रोटी नहीं खाते थे और पढ़ाने के लिए बच्चों लोग के लिए कष्ट करते रहते। तो इधर के बच्चों को यही कहना है कि अपने माता पिता गुरु का स्थान है, जो आप पढ़े लिखे बड़े होंगे तो जो स्थान जहाँ से चालू हुआ है, क्या जब यहाँ से सुना सर जी के मनोज तिवारी जी की आज पहले से दसवीं तक दूसरा इंसान होता तो यहाँ चाली बना के निकल जाते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि यहाँ के बच्चे टेंशन या विदा जाने से अच्छे यहाँ ही पढ़े। बहुत अच्छे सोच है सर तिवारी जी आपकी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चों लोग के लिए। कभी कभी हम फोन करते हैं तिवारी जी इनका भी माफ करो, थोड़ा कमजोर है, वो हमारा भी मान सम्मान रखते हैं, लेकिन बच्चों लोग को विनती ये रहेगी कि जहाँ से संस्कार लिए हैं, भले आप इंजीनियर डॉक्टर या बड़े वकील बने, लेकिन ये स्कूल को कभी भूलना नहीं, अपने माता पिता को कभी भूलना नहीं और कभी गुरु को भूलना नहीं। मेरे को सर जी ने धमकी दे दी कि कब बोलो बच्चे गैदरिंग देखने हैं, तो मैं आपको शुभेच्छा दूंगा और अगले साल इसी स्कूल से कोई दसवीं में कोई खेलकूद में अच्छा नंबर निकाल के मेरे वार्ड का मान सम्मान बढ़ाए, यही मैं आशा बढ़ाता हूँ। और यहाँ मेरे को बुलाए इसलिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे से शेयर किया। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर नंदलाल तिवारी सर, प्लीज आप हमारा मार्गदर्शन करें, एटलीस्ट दो मिनट तो एटलीस्ट बोल दे सर। सबसे पहले मैं कहूंगा आप सब बोले भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे बंदे। मैं काशी विश्वनाथ बाबा से कहता हूं कि आप सबको एक चीज हमें याद आया, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। अभी अभी हमारे माननीय दो नगर सेवक जी आप लोगों के उत्साह को बढ़ाया, मैं भाई साहब का नाम तो नहीं जानता लेकिन अतुल सर, अतुल सर की वाणी में सरस्वती का वास है, अतुल सर की वाणी में मां सरस्वती का वास है, एक बार अतुल सर की में तालियां हो जाए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बोलना चाहूंगा और आधा बोलता रहूंगा, इसलिए एक बार मैं फिर बोलूंगा बाबा विश्वनाथ की राम देता हूं। जय हिंद जय महाराष्ट्र जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद सर, फुल मार्फत Thank you.
मच। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए और जोरदार। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस सोनी मिश्रा मिस कम ऑन द स्टेज प्रोवाइड ए बुकिंग टू ऑनरेबल ट्रस्टी मिस दे विल वेलकम। Thank you so much, ma'am. Now, please, I would like to request to welcome with the bookies, Mr. Pramod Dubey sir. Thank you so much, sir. आप यहाँ आए, हमारे महफिल में चार चांद लग गई। Thank you so much, sir.
हेलो प्लीज, इन बच्चों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस प्रियांशी गुप्ता फ्रॉम सीनियर केजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। ही विल स्पीक अ पोयम, अ वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल पोयम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। टुडे स्माइल, टुमॉरो स्माइल, इन वोकली प्ले स्माइल, इन जॉय स्माइल, इन सोरो स्माइल, इन वर्क एंड इन वे, रिमेंबर दैट, remember that the love with you every day, remember that, remember that the love with you every day, smile today and smile tomorrow, smile in walk and in play, smile in joy and smile in sorrow, smile in work and in play, remember that, remember thank you so much. I am standing in front of you to say few words about my school. My school name is Holy Angel English School. My school is big with many room and playground and has computer room and projector. Our school celebrates all festival. Our madam Mrs. Tiwari give when we study well. Teacher, sign name is teacher very well. I like my school and I am for doctor. Thank you everyone. Thank you so much, beta. मन तेरी मोने को मोने गए
Oh,
अपना बचपना याद आ गया। सो प्लीज मैं हॉली एंजल स्कूल के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ कि उन्होंने पेरेंट्स का भी ध्यान रखते हुए एक स्पोर्ट्स फंड ऑर्गेनाइज किया था। नाउ देयर आर द नेम ऑफ द पार्टिसिपेशन पेरेंट्स एंड दोज हु आर विनर इन फ्रंट ऑफ मी। आई वुड लाइक टू कॉल द नेम ऑफ द पेरेंट्स। उनको अपने बच्चों के साथ आना है, अगर बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भी आके अपना सर्टिफिकेट और मेडल यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट यू विल आपको स्कूल स्टेज पे मिल जाएगा, मेडल के लिए आपको स्कूल फैसिलिटीज से बात करनी होगी और स्कूल से कलेक्ट करना होगा। फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल द नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन इज बॉल रेस। स्टूडेंट नेम नितिन मौर्य फ्रॉम सीनियर केजी। अगर नितिन मौर्य के पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज वो स्टेज पे आए और अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। मैं अपने प्रिंसिपल मैम सुमन दुबे में से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और पेरेंट्स को सर्टिफिकेट दे। प्लीज मैम कम ऑन द स्टेज। प्लीज अपने जोरदार तालियों के बीच हमारे प्रिंसिपल मैम का स्वागत कीजिए और जो पेरेंट्स एक एक करके आ रहे हैं उनका भी। पेरेंट्स ऑफ अर्शिया शेख प्लीज मैम स्टैंड हियर। अर्शिया शेख फ्रॉम सीनियर के जी। कहीं भी उनके पेरेंट्स हो तो प्लीज स्टेज पे आए। अर्शिया शेख चौधरी फ्रॉम जूनियर के जी। अगर उनके पेरेंट्स के पास मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज स्टेज पे आ जाएं। कुमुद चौधरी के पेरेंट्स फ्रॉम जूनियर के जी। प्रियांशु मिश्रा फ्रॉम नर्सरी। अगर उनके पेरेंट्स तक मेरी आवाज पहुंच रही तो प्लीज स्टेज पे आ जाए। प्रियांशु मिश्रा इन रनिंग। रुद्र दुबे फ्रॉम नर्सरी प्लीज रेसिंग कॉम्पिटिशन में प्लीज इनके जज्बे को सलाम करिए और जोरदार ताली दीजिए इनके लिए।
आपके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ। बंद किस्मत के ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, सच में उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। Oh।
अंकुर स्टोर, ही इज द ओनर ऑफ अंकुर स्टोर। अंकुर स्टोर हमें हमारे स्कूल को ड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता है, तो मैं शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अंकुर सर भी उनका वेलकम बुकी के साथ करें। प्लीज शर्मा जी कम ऑन स्टेज। I would like to call Pradeep Tiwari sir on the stage. He will come on the stage and welcome to Sharma ji of Ankur Store. Pradeep Tiwari ji कहीं भी हैं please आए और Sharma ji का स्वागत करें बुकी देके। Pradeep Tiwari sir please come on the stage.
What a pretty dance it was. Really, सच में ऐसा लग रहा था कि राधा ही कृष्ण नाच रहे हैं. Yes, beta. Now you can leave. Thank you so much. One star. Yeah.
condition of boys and girls in our present life. Thank you.
सुनो Thank you so much. Now I would like to speak on some education. Wait, you have to not go. India is nation, dadar is station. India is nation, dadar is station. Do not fall in love, first complete your education. It is a solo dance by Ragini Soni. इनके नाम में ही अग्नि है तो इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आप खुद ही देख लीजिए. रागिनी सोनी 3, 2, 1 स्टार्ट. Oh,
सर घूमे चक्कर खाए, दिल दिल से टक्कर खाए, और मैं खोया के खो गया। अरे Thank you.
Yeah.
Right.
कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों के प्रति जो हमारी लगन है, आस्था है, विश्वास है, उसको हमेशा जारी रखेंगे। और प्लस जब नेक्स्ट ईयर आप आओगे तो इससे अच्छा डांस, इससे अच्छा एक्ट आपको देखने मिलेगा। सो नाउ द नेक्स्ट सेरेमनी इज वोट ऑफ थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स स्टेज वाला, मंडप वाला एंड डीजे मैन फॉर गिव अस सच ए मेलोडियस म्यूजिक टू परफॉर्म अवर एक्ट। थैंक यू सो मच सर दैट प्रोवाइडिंग अस सच ए नाइस लाइटिंग एंड ए म्यूजिक सिस्टम एक्ट के साथ। अब मुझे आप सबसे यहाँ से विदा लेने की आज्ञा चाहिए। सो आई अतुल मिश्रा on the request of Holy Angel English School, I have done my work. So now it's your responsibility.